नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम व्रत का खाना बनाने वाले हैं। बहुत ही सरल डिश है ये, इसका नाम है उबले हुई मूंगफली। आप बोलेंगे कि व्रत के लिए क्या बनाएं, तो व्रत के लिए वैसे खाना बनाना चाहिए जो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो, उपलब्ध हो और जिसको बनाने में ज़्यादा टाइम ना लगे और जो पौष्टिक भी हो और सात्विक भी हो। अब ये जो मूंगफली थी वो सूखी वाली मूंगफली थी, इसको रात को मैंने 10 से 12 घंटे पानी में भिगो के रखा और फिर सुबह उठ के वो पानी चेंज किया और फिर कुकर में इसकी 5 सीटियां निकाली। ये आप देख सकते हैं, ये अच्छे से पक गया है। अब मैं आपको इसकी सामग्री के बारे में बताती हूँ। ये उबले हुई मूंगफली है, ये हमने एक चम्मच में तड़का के लिए जीरा लिया है छोटा चम्मच, और उसके लिए शुद्ध गाय का घी चाहिए और स्वाद अनुसार नमक, बस इतनी 4 सामग्री हमें चाहिए। तो ये जो जीरा मैंने लिया है एक चम्मच में तड़के के लिए, उसमें मैं थोड़ा सा गाय का घी ऐड करती हूँ। गैस पे तड़के के लिए मैंने रखा है ताकि पिघल जाए। उबली हुई मूंगफली एक सुपर फूड की तरह होती है और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो साधारण मूंगफली से 4 गुना होती है, तो आप समझ सकते हैं कितना ये बड़ा सुपर फूड है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी त्वचा का देखभाल करते हैं, आपको फुर्तीला बनाते हैं और आपको एनर्जी से भरा हुआ रखते हैं। अगर आप ये आधा कप मूंगफली खाते हैं तो आपको करीबन 300 कैलोरीज एनर्जी मिलती है और उसमें बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं रहता, तो 0 कोलेस्ट्रॉल रहता है। तो आप समझ सकते हैं आपको कितनी शक्ति मिलेगी अगर ये आप सिर्फ आधा कप ये मूंगफली खाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये जो घी है वो अभी पिघल रहा है गर्मी की वजह से, और अभी थोड़े ही समय में ये उबलना चालू हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो घी था वो गर्म हो गया है और जीरा भी अब इसमें अच्छे से देख सकते हैं आप। तो मैं अभी इसकी एक तड़का लगाती हूँ उबले हुए मूंगफली को। उबली हुई मूंगफली में विटामिन बी और विटामिन ई की भी संख्या अच्छी होती है और ये आपकी त्वचा और मांसपेशियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो व्रत के वक्त तो आप कर ही सकते हैं और खा सकते हैं पूरी एक कटोरी मूंगफली। वैसे प्रतिदिन भी आप ये खा सकते हैं, आधा कप आप बना सकते हैं और घर के सारे सदस्य ये खा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये मिक्स हो गया है अच्छे से और अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप चाहिए तो आपके घर पे व्रत का काला नमक होगा तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हिमालयन रॉक सॉल्ट जो होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक डालने के बाद आप उसे अच्छे से मिक्स कर सकते हैं और आपके पास सर्विंग बाउल होगा, उसमें आप सर्व कर सकते हैं। इसे ऐसे ही खाएं, इसमें कोई एडिशनल गार्निशिंग वगैरह कुछ ना करें। आपको ये रेसिपी कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।